दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों सीबीआई का पूरा नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। यह भारत सरकार की एक मुख्य जांच एजेंसी है। इस एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का काम करती है। भारत देश की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए इस केंद्रीय अन्वेषण या जांच ब्यूरो की मदद ली जाती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पहले इसका नाम स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अर्थात एसपीई था, जिसकी स्थापना 1941 में भारत सरकार ने की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नाम गृह मंत्रालय द्वारा 1963 द्वारा प्रदान किया गया था। प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा सूचित अपराध केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से ही संबंधित था। धीरे धीरे बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के साथ ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्र के अधीन लाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इस एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के मामलों की जाँच कराई जाती है। सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यह एजेंसी इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वयन करती है। सीबीआई एक बहुआयामी बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस बल अक्षमता विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जांच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है और यह भारत में कहीं भी अपराधों को अभियोजन करती है। नियुक्ति की अगर बात की जाए तो सीबीआई में नियुक्ति प्रक्रिया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अलग अलग पदों पर भर्ती दो प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। पहली प्रक्रिया में यह भर्ती एसएससी द्वारा की जाती है और दूसरी प्रक्रिया में डेपुटेशन के आधार पर, अर्थात यदि आप केंद्र या राज्य पुलिस या अन्य महत्वपूर्ण सेवा में हैं तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। सीबीआई में सीधी भर्ती सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर या दरोगा रैंक के लिए होती है और यह भर्ती को एसएससी द्वारा की जाती है। सीबीआई के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार 55% अंकों के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को सीजीएल एसएससी परीक्षा पास करना आवश्यक है। उसके पश्चात अभ्यर्थी सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आवेदन कर सकता है। सीबीआई ऑफिसर हेतु आयु सीमा क्या है? सीबीआई ऑफिसर परीक्षा में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की आयु 20 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए तथा एससी एसटी कैटेगरी के लिए विशेष छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर परीक्षा पाठ्यक्रम की जाए तो सीबीआई की परीक्षा लिखित एवं इंटरव्यू इन दो भागों में विभाजित की गई है। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंकों का होता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आपको साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होता है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के पश्चात सीबीआई में भर्ती होने का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा हेतु आवश्यक टिप्स की बात की जाए तो सीबीआई परीक्षा सभी कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसके लिए आपको उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित रखें, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। अपनी पढ़ाई समय प्रबंधन के अनुसार करें। अभ्यास अधिक से अधिक करने का प्रयास करें और एक दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें। इस परीक्षा के लिए अपने सीनियर्स की भी मदद लें। जब कहीं पर आपको समझ में ना आए उनके बारे में उनसे पूछे। अभ्यर्थी में आवश्यक गुण की अगर बात की जाए तो तीव्र विश्लेषणात्मक मन, शारीरिक फिटनेस, सहनशीलता, मानसिक सतर्कता, एकाग्रता का उच्च स्तर, अवलोकन की उत्सुक शक्तियां, तर्कसंगत रेशनल और विश्लेषणात्मक सोच, यात्रा करने की शक्ति, लंबे अनियमित काम के घंटे के अनुकूल कार्य करने की योग्यता, दुरुस्त और खतरनाक क्षेत्रों में काम करने की शक्ति। तो दोस्तों हमने आपको सीबीआई ऑफिसर बनने के बारे में बताया। यदि इससे संबंधित आपके मन में अब भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।